भैला तेही छनवा ए रामा भैला तेही छनवा हो। दशरथ खेले गइले बान में शिकारा पान में शिकारवा हो पान में शिकारवा। दशरथ खेले गइले पान में शिकारा पवल जंगल में गई पवल नहीं सिकरवा पवल नहीं सिकरवा। हार मान के वापिस भैला अरे हार मान के वापिस भैला। लागली पियसिया सुखी गैला चेहरावा दशरथ खेले गैले पान में शिकारावा। बार राजा दशरथ वन में शिकार खेले गई बने शिकार के पीछे बहुत ज्यादा समय बीत गई शिकार हाथे लगल नहीं हार मान के वापिस हो गई बने। लेकिन इतना जोर से प्यास लागल बा कि प्यास से हाल बेहाल भइल बा चारों तरफ पानी के तलाश में बने कहीं पानी मिले वाला नहीं बा। लेकिन भाई इनका महाराज अरे आगे जब गईले हो राजा अरे सारा भर देखाई न हो सारा भर देखला ए रामा सारा भर देखला हो। किया हो पानी देखी जियरा लाल जाई लेना मारा देश नारी ये रामा भैला तेही छनवा ये रामा भैला तेही छनवा हो। मारा देश नारी हो राजा भैला तेही छनवा ए रामा भैला तेही छनवा हो। अरे रामा दुई घोट पनिया जब घोटाई देना राजा दशरथ प्यास से बेहाल रहले सामने को सरोवर देखले बने पानी देखले जीव ललचा गई गईले और जो ये दुई अजुरी पानी उठा के मुंह में डालत रहले ते वही उनका शरीर बदल के नारी के रूप में हो गई। राजा दशरथ अपने शरीर के तरफ जब देखा था ना बड़े चिंता में पड़ले कहले अरे बाप रे बाप ये का हो गई अब हम अयोध्या में जाई कैसे जे देखी हमके काव कही वहां गईले पर हमके केहू जानू नहीं पाई। ई राजा दशरथ हमें वही सरोवर के करार पर बैठ के चिंता में डूबल बड़ा कैसे महाराज आ अरे कैसे अवध में जाई के करा के मुंह देखाई। ये किया हो रामा
अरे बैठी कर रामा राजा सो चलाए रा। भाई से आवाधा में जाई के करा के मुंह देखाई केहू के मुंह देखाई किया हो रामा बैठी कर रामा राजा रो बलैरा रे समय आए रामा अल एगो राजा हो ताहिरे समय आए रामा अल एक राजा हो अल एक राजा बाहो किया हो रामा पूछे लगल उनसे सगरु हाल नाए राम राजा दशरथ अपने आप के जब नारी रूप में पौरे बने बड़े चिंता में परल बने वही सरवर के करारे परे बैठ के मन में सोचत रहे हे परमात्मा ये अचानक में का हो गई अब हम कौने तरह से अयोध्या में जाई कैसे केहू के मुंह देखाई हमारे विषय में पता नहीं का लोग सोची वहां जाके अगर हम बताई कि हम राजा दशरथ हुई तो लोग अपने मनवा में का सोची यही सब कम में डूबल मने राजा दशरथ। लेकिन वही समय पर यंग देश के राजा रोमपाद जी आई के पहुंच गए बना शिकार खेलत आज अब देखले बना सरोवर के किनारे सुंदर नारी बैठलिया लगने हाल चाल पूछे कौने ओर से आई बड़ू कौने ओर जाए के बा कहाँ तुहार घर द्वार है कैसे अकेले जंगल में आ गई लू। लेकिन राजा रोमपाद कैसे कहने महाराज अरे घरवा द्वार हो अधरवा द्वार हो कहवा बा तोहरा घरवा द्वार हो घरवा द्वार हो घरवा द्वार हो कहवा बा तोहरा घरवा द्वार हो राजा कहे कुछ याद नहीं बाना राजा कहे कुछ याद पाए नहीं हमारे कहाँ से आइल बानी कहाँ घर दुआर हो कहाँ बा तोहरा घरवा दुआर हो राजा रोमपाद राजा दशरथ से जो नारी के रूप में बाड़े उनसे पूछे तड़े कहाँ तुहार घर दुआर हो कैसे जंगल में आ गए लू। लेकिन राजा दशरथ कह तड़े हमके कुछ नहीं मालूम बा हमार घर दुआर कहाँ है और कैसे यहाँ आ गई बानी। राजा दशरथ अपने आप के छिपा लेता ने वहाँ राजा रोमपाद कह तड़े फिर अभी आबान जंगल में अकेले कौने तरह से अपन जीवन बितेबू चला हमारे साथ में हमारे राजमहल में चला आ वहां पटरानी बन के अपन समय बिता लिया। राजा दशरथ अपने मन में सोचे लगले ये से बढ़िया मौका हमके कहीं दूसर बाय नहीं अगर राजा रोमपाद के साथ हम जात नहीं बाड़ी तो पता नहीं कौन मुरहाई कौने के साथ हम परिया। राजा दशरथ राजा रोमपाद के साथ में चल दे रहे बड़े महाराज अरे लैला दुलहिनिया राजा
आई अपने भवनवा रामा और धीरे धीरे बीती गई न पर हो महीनावा रामा दूलहिनिया हो राजा अपने भवनवा रामा धीरे धीरे बीती गई ले पर हो महीनावा रामा पैदा हो गईली उनके एक गो करीनावा पैदा हो गईली उहावा एक गो करीनावा हो रामा सांता परलबाओ सांता परलबाओ नमा हो रामा राजा रामपाद वह नारी रूपी राजा दशरथ के अपने महल में रह गए बाड़े। धीरे धीरे साल भर बीत गए बा वहां एगो लड़की पैदा भई लिया जौने के नाम शांता परल बा। धीरे धीरे समय बीते लगल यहाँ अयोध्या में राजा दशरथ के न रहले के नाते से राजा दशरथ के गैरहाजरी भैले के नाते से तमाम शोक छा गइल बा। आखिर राजा शिकार खेले गई रहना तो गईले का मंत्री सुमंत जौन रहना वो बहुत होशियार रहना उनने ड्यूटी दिया गई बा राजा दशरथ के खोजे खातिर। मंत्री सुमंत चल दले माने राजा दशरथ के खोजे खातिर तो भैल का महाराज अरे खोज चल मंत्री अब आधा डगरवा जाहि रे बनवा राजा खेले लन शिकारवा जाहि रे बनवा जाहि रे बनवा हो जा फिर बनवा हो जाहि रे बनवा राजा खेले लन शिकारवा जाहिरे बनवा श्रृंगिर सी वही बन में भेटाइला श्रृंगिर सी वही बन में भेटाइला जाहिरे बनवा भैल राजा के हरनवा जाहिरे बनवा जाहिरे बनवा हो जा फिर बनवा हो जाहिरे बनवा भैल राजा के हरनवा जाहिरे बनवा लगाई मुनि भेदवा बतावल ओ ध्यान में लगाई मुनि भेदवा बतावल ध्यान में लगाई मुनि भेदवा बतावल जाहिरे बनवा राजा भाईले जाननवा जाहिरे बनवा सुमंत जी राजा दशरथ के खोजा तो ही बन में गई बने जौन ए बन में राजा दशरथ शिकार खेले गई रहने चलते चलाते वही जंगल के बीच में श्रृंगी ऋषि से मुलाकात भइल बा। सुमंत जी अपन विपद श्रृंगी ऋषि से लगना बतावे महाराज
हमारे महाराज दशरथ शिकार खेले अइले, सालिन बीत गईल लेकिन उनकर पता नहीं बा कहाँ चल गईल। हमार पजन खोजत खोजत परेशान मारी, जब ध्यान लगौले बड़ा श्रृंगी ऋषि उन्हें हर बात मालूम हो गई। सुमंत के समझावे लगल, कहल हे सुमंत एगो सरोवर रहल अप्सरा लोगन के स्नान करे खातिर, वह में हमार रखवारी रहल, आ हमें हम वरदान दहले रहली कि जे केहू पुरुष या जल की पी ले या हमें नहा ले वो नारी रूप में हो जाई। राजा दशरथ धोखे से वह जल के पी ले लें और नारी हो गई लें। फिर राजा रोमपाद के दरबार में जाके पहुंचल बटे, वहाँ पटरानी बन के बना, और वहाँ राजा रोमपाद के दरबार में एगो कन्या के जन्म दहले बने जौने के नाम शांता परल बा। सुमंत जी के जब राजा दशरथ के पता मालूम हो गई बा, वहाँ से चल दहले बने राजा रोमपाद के दरबार में, तब हिल का महाराज जाके मंत्री पहुंचल बाना राजा के दरबार में, राजा के दरबार में। आपन सगरो हाल सुनावल हो, आपन सगरो हाल सुनावे राजा रोमपाद मन में करे लंग बिचारावा, दशरथ खेले गई ने वन में शिकारा। सुमंत जी राजा दशरथ के खोजत खोजत राजा रोमपाद के दरबार में जब पहुंचल बड़े, अब वहाँ सारा हाल जब बतौले बड़े कि महाराज साल भर से हमरे महाराज दशरथ गायब बने, उनके बिना अयोध्या सुनावा, राज के कारोबार सब एकदम बिगड़ जातवा। सुमंत जी जौने जौने तरह से राजा दशरथ स्त्री के रूप में भइल रहलन, श्रृंगी ऋषि के बतौले के हिसाब से सारा बात राजा रोमपाद के जब बतौले बने, राजा रोमपाद बड़ा अफसोस करे लगल, कहला हमसे बड़ी भारी गलती भई, और सब लोग वहाँ से आइल बने श्रृंगी ऋषि के पास, आखिर राजा दशरथ नारी हो गई ले लेकिन फिर पुरुष हुई हैं कैसे। अरे सब लोग गई ले राम, अरे श्रृंगी जी के घर हो, सिंगी जी के घर माए रामा, सिंगी जी के घर माओ, किया हो रामा रामा हो। अरे रमाया पानी भी पतिया सुनावल राम, चिरी कल हो पानी ना चिरी कल, मंत्र मार साधु हो बाबा पानी ना चिरी कल हो पानी ना चिरी कल। अरे राम दूला हिन से दूला बनावल राम, मंत्री सुमंत राजा रोमपाद और राजा दशरथ नारी के रूप में सब लोग श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाके पहुंचल बने, वहाँ सारा हाल जब सुनौले बने, श्रृंगी ऋषि अपने मंत्र के द्वारा पानी का छींटा मार के राजा दशरथ के फुर अपने रूप में ले आइल बने। सब लोग अपने अपने धाम के गइल बने,
कालांतर में वही शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में भइल बा। अरसिपनदास भइल शांता का श्रृंगी संगे बियाहवा, श्रृंगी संगे बियाहवा। पर ध्यान लगा के कर सेवकाई, पति परमेश्वर माने कई के बिचारावा, दशरथ खेले गई है पान में शिकारावा।